लिए वेज बार्ली सूप। इसके लिए हमने 10 टीस्पून बार्ली ली है, ये दाना बार्ली है, ये करीब आधा कप है। ये 5 लोगों के लिए हम बना रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से धो के भिगो देंगे। बार्ली को अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी और डाल देंगे, हमने करीब 2 कप पानी डाल दिया है। अब इसे हम भिगो देंगे 5 से 7 घंटों के लिए। अगर रात को बनाना हो तो सुबह भिगो दे, सुबह बनाना हो तो रात को इसे भिगो के रख दे। इसे अच्छी तरह से भीगने दे। बार्ली इस तरह से भीग चुकी है, 2 कप पानी इसमें हमने डाला था, अब इसमें और पानी डालेंगे। 4 कप पानी और डाल दिया है इसमें हमने। करीब 1.5 से 2 कप सब्जी ले लिया है, जिसमें बीन्स, गाजर, ब्रोकली लिया है, इनको भी इस तरह से महीन महीन काट लिया है। ये देखिए, ये 1.5-2 कप सब्जी है। पानी में उबाल आने दे। पानी में उबाल आ चुका है, इसे एक बार चला दे और गैस को धीमी आंच पे कर दे। अब इसमें ये कटी हुई सब्जियां डाल दे। सब्जी आप अपने चॉइस से डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से खुले में बनाते हैं। बार्ली पकने तक इसे धीमी आंच पे हम रखेंगे। बार्ली सॉफ्ट हो जाएगी तब तक इसे हम पकाएंगे। गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे करके इसे रखें। बीच बीच में चेक करते हुए गैस को धीमी आंच पे करके इसे ढक के, पूरा ना ढके, इस तरह से आधा ढक के इसे उबलने दे। बार्ली पकने तक इसे हम पकाएंगे। धीमी आंच पे रखा था हमने, 20 मिनट हो चुके हैं, बार्ली भी लगभग पक चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है इस तरह से। आपको इस तरह से न बनाना हो तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में 2 सीटी में ये फटाफट बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बार्ली बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस को बंद कर दे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। सेंधा नमक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक ना हो तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं आप। नमक थोड़ा हल्का ही डालें, सूप में थोड़ा हल्का ही अच्छा लगता है नमक। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च घर में ही पीस के डालें तो अच्छा होगा। 1/4 चम्मच करीब काली मिर्च पाउडर डाल दिया है हमने। 1 नींबू का रस, 1 बड़ा साइज का नींबू का रस हम इसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक, काला नमक से सूप का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। सिर्फ नींबू डाला है हमने। ये देखिए, सूप बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म पिए, ये बहुत ही हेल्दी है, पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वेज बार्ली सूप रेडी है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत हेल्दी भी है। बार्ली के बहुत सारे फायदे हैं, इससे ताकत भी आती है पीने से। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।